सभी को नमस्कार। मैं बलबीर कौर पंचकुला से एकार्ट टोल की बुक द पावर ऑफ नाउ का पांचवा चैप्टर लेके आज आपके सामने प्रस्तुत हूं। अब तक हमने इसके जो चैप्टर देखे हैं, समझे हैं और जिनकी चर्चा की है, वे हैं अपना मन आप नहीं है, दुख से बाहर निकलने का मार्ग केवल चैतन्यता, अब मैं गहरे उतरिए, अब से दूर रहना ही मन की एक रणनीति है, और आज हम करेंगे वर्तमान में विद्यमान रहने की अवस्था, द स्टेट ऑफ प्रेजेंस। लेखक कहते हैं कि इट्स नॉट व्हाट यू थिंक इट इज, ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। आप वर्तमान में उपस्थित रहने की बात करते हैं और इसे ही चाबी मानते हैं जिससे कि हम अप्रकट में जाने के लिए, अपने अंदर जाने के लिए हमारे पास यही एक चाबी है जिसमें हम विचार मुक्त भी रह सकते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि इसको मैं बौद्धिक रूप से तो समझता हूं, लेकिन मैं नहीं जानता कि इसे मैंने अनुभव किया है या नहीं। मुझे संदेह है कि जो मैं समझ रहा हूं, क्या यह वही है? वह अवस्था कुछ अलग ही होती है। तो लेखक को ही जवाब, वो खुद जवाब देते हैं कि जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है। वर्तमान में उपस्थित रहने के बारे में न तो आप सोच सकते हैं और न ही मन उसे समझ सकता है। इस उपस्थिति को समझना उपस्थित होना होता है। जब तक हम वर्तमान में उपस्थित नहीं होते या वर्तमान में नहीं आते, नाव में हम नहीं रहते, तब तक उसे समझा नहीं जा सकता, सोचा जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। दूसरे शब्दों में हम अनुभव करके ही इसको जान सकते। तो लेखक कहते हैं कि आइए फिर इसका एक प्रयोग करते हैं। आप अपनी आंखें बंद कीजिए और स्वयं से कहिए कि पता नहीं मेरा अगला विचार क्या होगा। फिर आप पूरी तरह से सजग होकर, अवेयर होकर, जागरूक होकर अगले विचार के आने की प्रतीक्षा करें, इंतजार करें। आप बिल्कुल उस बिल्ली की तरह जो कि चूहे के बिल की तरफ ताक रही है कि चूहा कब निकलेगा। तो कौन सा विचार निकल कर आने वाला है, इसे आप अभी करके देखिए। आप इस इंतजार में हैं कि वो विचार कब आएगा। तो क्या हुआ इसका जब हमने प्रयोग किया कि कोई विचार आने से पहले मुझे बहुत देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, इंतजार करना पड़ा, क्योंकि जब आप उपस्थित हो गए तो विचार को आने में देर लगी। यानी जब तक आप वर्तमान में भरपूर उपस्थिति की अवस्था में रहते हो, तब तक आप विचार मुक्त रहते हो। विचार हमारे से दूर रहते हैं और हम शांत रहते हैं और बहुत सचेत और सजग भी रहते हैं। जैसे ही आपका चैतन्य, आपकी कॉन्शियसनेस उस लेवल से थोड़ा सा नीचे आती है, यानी जिस लेवल पर रहकर आप वर्तमान अवस्था में थे, अगर उससे थोड़ा सा भी नीचे आ जाते हैं, तो स्तर हमारा नीचे आ जाता है, तो उसी वक्त विचार कूद कर हमारे सामने आ जाता है। मानसिक शोर वापस आ जाता है क्योंकि विचार चलने शुरू हो जाते हैं। नीरवता यानी स्टिलनेस, शांति यानी पीसफुलनेस खो जाती है, यानी आप समय में वापस आ जाते हैं। कहा जाता है कि जेन मास्टर्स अपने शिष्यों को जांचने के लिए कि वे कितने विद्यमान में रहते हैं या कितने उपस्थित हैं, वो उनके पीछे से चुपके से आकर और अचानक उन पर छड़ी मार देते हैं। अगर शिष्य पूरी तरह उपस्थित है, सजग है, सचेत है, जैसा कि जीसस ने कहा, अगर उसने अपनी कमर कसी हुई है, अगर उसकी ज्योत प्रज्वलित है, वह अपने आप में सजग होकर बैठा है, तो उसके पीछे से या तो गुरु के आने का उसको भान हो जाता है, पता चल जाता है, तो वह उसे रोक देता है,
या एक तरफ हो जाता है। लेकिन अगर उस पर छड़ी पड़ ही जाती है तो इसका अर्थ ये हुआ कि वह ख्यालों में कहीं खोया हुआ था, यानी हाजिर नहीं था, अनुपस्थित था, अचैतन्य था, अपनी कॉन्शियसनेस से दूर था। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि प्रतिदिन के जीवन में विद्यमान बने रहना स्वयं के साथ गहराई से जुड़े रहने में हमें मदद करता है। अगर हमें अपने साथ जुड़े रहना है तो हमें उपस्थित रहना सीखना होगा, वरना जो कि मन जो कि बेहद चंचल और चलायमान रहता है अपने साथ आपको बहाकर ले जाता है, जैसे उफनती नदी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाती है। तो यहां पर प्रश्न उठता है कि स्वयं से गहराई के साथ जुड़ने से आपका क्या अभिप्राय है? What do you mean by rooted within yourself? इसका मतलब है कि शरीर में पूरी तरह से वास करना, रहना, अपने शरीर की जो भीतरी ऊर्जा क्षेत्र है उसमें अपना थोड़ा सा ध्यान हमेशा बनाए रखना, चाहे थोड़ा सा भी ध्यान हो वो भी उस ऊर्जा क्षेत्र में, एनर्जी फील्ड में हमें बनाकर रखना होगा। अपने शरीर को भीतर से महसूस करना होगा। जैसे जब सुबह हम ध्यान करते हैं तो संगीता मैडम कहती हैं कि आप महसूस करिए सिर से लेकर पांव तक जो सेंसेशंस हो रही हैं, जो वाइब्रेशंस हो रही हैं, उनको महसूस कीजिए। ये होता है शरीर को भीतर से महसूस करना। शरीर के प्रति जो ये सजगता है, महसूस करने की अवेयरनेस है, यह आपको उपस्थित रखती है और वह अपना लंगर, अपना पाल अब में डाले रखती है। जैसे समुद्र में जहाज अपना पाल डाल के रखता है, उसी प्रकार यह उपस्थिति अपना लंगर पाल अब में डाल के रखती है। तो अब हमें जानना है कि इंतजार करने का गूढ़ अर्थ क्या है। अभी हमने देखा कि हम प्रतीक्षा करें कि ये विचार कैसे आते हैं, तो कहते हैं इस इंतजार का क्या अर्थ है। एक्चुअली ये हिस्टोरिक मीनिंग ऑफ वेटिंग, एक तरह से वर्तमान का यानी उपस्थिति का की अवस्था का तुलना अक्सर इंतजार से की जाती है। जीसस ने अपनी कुछ कथाओं में इसका जिक्र किया है, इसका उदाहरण दिया है और कहा है कि ये इंतजार आमतौर पर होने वाला जो उबाऊ और बेचैन किस्म का हमारे संसारिक इंतजार होता है, वो इंतजार नहीं है। वो इंतजार वर्तमान को नकारने वाला होता है, ये वर्तमान नकारने वाला नहीं होता। वो कहते हैं ये इंतजार वो भी नहीं है जिसमें आपके अवधान का फोकस, आपके अटेंशन का फोकस भविष्य के किसी मुकाम पर केंद्रित रहा करता है, जो कि वर्तमान में, वर्तमान को एक ऐसे अनचाहे रोड़े की तरह देखा जाता है जो आपकी और आपकी मनचाही चीज के बीच में अटका हुआ लगता है। बल्कि यह इंतजार कुछ भिन्न गुणों वाला, अलग विशेषताओं वाला एक अलग तरह का इंतजार होता है, वह इंतजार जिसमें आपकी पूरी सजगता की आवश्यकता होती है, जिसमें किसी भी क्षण कुछ भी घटित हो सकता है। अगर आप पूरी तरह जागरूक नहीं है, निश्चल नहीं है, तो आप चूक सकते हैं और उसे खो सकते हैं। यह वह इंतजार है जिसका जिक्र जीसस ने बहुत बार किया है और इस अवस्था में आपका सारा ध्यान, आपका अवधान, आपकी तवज्जो वह केवल अब में रहती है। अगर किसी दिवस स्वप्न की हम बात करें, यानी दिन में जो सपने देखते हैं उनकी बात करें, या किसी सोच विचार के लिए या कुछ याद करने के लिए, अनुमान लगाने के लिए उसमें कुछ भी नहीं होता है। ऐसे ध्यान में ये सारी चीजें नहीं पाई जाती, उसमें न तो कोई तनाव होता है, न कोई भय रहता है, कुछ रहता है तो बस एक सजगता, सचेत उपस्थिति और विद्यमान, यानी आप वहां पर पूर्ण रूप से होते हो। उसमें आप अपने पूर्ण बीइंग के साथ, अपने शरीर एक एक कोशाणों के साथ उपस्थित रहते हैं। जब हमें सुबह ध्यान में करवाया जाता है कि आपके चारों तरफ चेतना का समुद्र है और आप उसमें
महसूस कीजिए कि आप उसमें बैठकर ध्यान कर रहे हैं। तो जो आपकी बींग है उसका एक एक कोश जो है, एक एक कण जो है, वो उस चेतना के समुद्र की सागर की उपस्थिति के साथ एक लय हो जाता है, एक हो जाता है और आपको अपने होने का पूरा पूरा आभास होता है। तो इस अवस्था में जो आपका अपना होना है या जो तुम हो, वह अतीत और भविष्य को ढो रहा होता है, जो कि अतीत और भविष्य को ढो रहा होता है वह वहां रहता ही नहीं, यानी समय वहां पर नहीं रहता, फिर भी महत्व की कोई चीज छूटती नहीं है। हालांकि ये जो समय है ये हमारे साथ नहीं होता, लेकिन विशेषता ये है कि फिर भी हमारे से कोई इंपॉर्टेंट चीज छूटती नहीं है। वास्तव में केवल तुम और तुम ही रह जाते हो, जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ था। दरअसल ये केवल अब ही है, नाव ही है, वर्तमान में ही है, जिसमें आप सचमुच में आप रहते हो, आप ही आप रह जाते हो, वो ये ऐसी अवस्था है। यहां पर वो तुलना कर रहे हैं लेखक कि आपको एक ऐसे सेवक की तरह बनना पड़ेगा जो अपने मालिक के इंतजार में इंतजार कर रहा हो। जीसस ने भी इस बात पर जोर दिया है कि आपको ऐसे नौकर की तरह भूमिका निभानी चाहिए जो अपने मालिक के इंतजार में रहता है। नौकर नहीं जानता कि मालिक कब आएगा, इसलिए वह जागा रहता है, सचेत रहता है, संभल कर रहता है कि कहीं नौकर कहीं मालिक आ ना जाए और उसको मालिक के आने का पता ही ना चले। जीसस यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं 5 लापरवाह औरतों का, जो अचैतन्य है, बेहोशी में रहने वाली महिलाओं का उल्लेख करते हैं। यह महिला की प्रतीकात्मक उन्होंने सोल को माना है, हमारी आत्मा को माना, वो आत्मा जो बेहोशी में रहती है, जो समय और काल के अंतर्गत रहती है, ऐसी 5 महिलाएं हैं। तो उनके पास अपने दियों को जलाने के लिए पर्याप्त या काफी तेल नहीं है। काफी तेल का मतलब चैतन्यता नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। अगर उन 5 महिलाओं के पास अवेयरनेस हो, कॉन्शियसनेस हो, अपने दियों को जलाने के लिए तेल हो उसके पास, तो वो अपने दूल्हे से मिल सकती हैं। दूल्हा कौन हो गया? अब प्रेजेंट हो गया, वर्तमान हो गया। तो कहते हैं अगर वो चैतन्य रहती है तो वो अपने दूल्हे के दर्शन कर सकती हैं, लेकिन अगर वो बेहोशी में रहती हैं तो वो है अपने दूल्हे यानी अब में आने से चूक जाती हैं और विवाह भोज से वंचित रह जाती हैं। उन्हें विवाह भोज नहीं मिलता। विवाह भोज का प्रतीक क्या बताया है? आत्मज्ञान को, कि जब अगर ऐसी अवस्था होती है तो वो उनको आत्मज्ञान नहीं होता। तो उन सभी आत्माओं को, उन सभी लोगों को जो आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें बेहोशी से निकलकर होश पूर्ण होना होगा, होश का दिया जलाना पड़ेगा, चैतन्यता का तेल तैयार रखना पड़ेगा, तभी वो अपने दूल्हे यानी अब से मिल सकते हैं और आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ये दृष्टांत जो दिए हैं जीसस ने, यह संसार के अंत के बारे में नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक समय के बारे में। वो कहते हैं ना कि भाई आपको होश पूर्ण रहना चाहिए, जब होश पूर्ण आप रहते हैं वहां समय नहीं होता, और जब बेहोशी में होते हैं तो वहां समय की विद्यमानता होती है। तो वो कहते हैं ये मनोवैज्ञानिक समय के अंत की बात कर रहे हैं हम, ये संसार के अंत की बात नहीं है कर रहे हैं। तो ये नीति कथाएं जो बताई गई हैं, ये है अहंकार ग्रस्त मन को, जो हमारा मन हमेशा ईगो में फंसा रहता है, अपने अहंकार में फंसा रहता है, क्योंकि समय और काल के साथ वो अपना पहचान अपनी तादाद में बनाए रखता है। इसको श्रेष्ठता की ओर ले जाने के लिए और चेतनता की एक बिल्कुल ही नई अवस्था में जीने की संभावना की ओर इशारा करती है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी अपने अपने होने में, अपने वर्तमान में, अपने नाव में जीने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती। लेखक बताते हैं कि जब ऐसी स्थिति को आप प्राप्त कर लेते हो तो वो बड़ी शांतदायी और बड़ी नीरवता वाली स्थिति होती है, और इसी शांतता में, इसी नीरवता में ही खूबसूरती छिपी हुई है। हम कितना ही भाग लें संसार में, कितना ही पद प्राप्त कर लें, कितना ही धन प्राप्त कर लें, कितने ही हम शारीरिक रूप से खूबसूरत हो जाएं, या हमारे पास कुछ भी धन दौलत हमारे पास आ जाए, हमें वो खुशी, वो खूबसूरती प्राप्त नहीं होती जो कि हमें अपने होने की स्थिति को प्राप्त करने के बाद होती है। तो
लेखक कहते हैं कि जो वर्णन ये मैंने किया है उसको छोटे छोटे पलों में मैंने महसूस भी किया है, जबकि मैं प्रकृति की गोद में अकेला अकेला बैठा होता। यानी जैन मास्टर्स ने इसकी बात सतोरी से शुरू की है। उन्होंने कहा है कि जो सतोरी शब्द का प्रयोग है, अंतर्दृष्टि की रोशनी है, अंतर्दृष्टि की रोशनी है। ये हम अंदर की चमक के लिए प्रयोग करते हैं, जिसमें ऐसा क्षण आता है जब मन नहीं होता है और आपकी पूर्ण उपस्थिति रहती है। तो लेखक ने जो कहा कि जो ये स्थिति में महसूस करता हूं जब अक्सर प्रकृति की गोद में होता हूं, तो ये चमक, ये जगमगाहट मुझे महसूस होती है, और ऐसा सतोरी में भी होता है। यद्यपि सतोरी कोई स्थायी रूपांतरण नहीं है, ये टेम्परेरी ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन एनलाइटनमेंट का, आत्मज्ञान का आपको एक स्वाद तो चखाई देता है, आपको टेस्ट तो लग ही जाता है कि ये चीज है वो जिसको मैंने प्राप्त करना है। इसलिए जब भी ऐसा पल आए आपको बहुत धन्यवादी होना चाहिए। हो सकता है आपको इसका अनुभव सचमुच में कई बार हुआ हो, लेकिन आपको न तो ये पता था कि यह क्या है और न ही आपको इसका महत्व मालूम था। प्रकृति की खूबसूरती, उसकी महिमा, आप कभी कभी आप रात को उठकर देखो, जो विशालता है, व्यापकता, इनफाइनिटी ऑफ स्पेस है, आकाश की जो इनफाइनिटी है, अगर उसको आप देखते हो, उसकी महिमा को देखते हो, उसकी पावनता के प्रति जागरूक होते हो, तो ये तभी संभव है जब आप वर्तमान में होगे। वर्तमान में नहीं होगे तो आप इस खूबसूरती को महसूस नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि क्या आपने कभी रात को साफ आकाश की अनंतता को नजर भरकर ध्यान से देखा है? उसकी नितांत नीरवता, एब्सोल्यूट स्टिलनेस, आप देखो कहीं भी कोई हलचल नहीं होती, एक एब्सोल्यूट स्टिलनेस आप महसूस करते हो, और एक ऐसी विशालता, अपरिमेय शब्द दिया है उन्होंने, जिसका मतलब है इनकंसीवेबल वास्टनेस, ऐसी विशालता जिसको आप सोच ही नहीं सकते, कंसीव ही नहीं कर सकते। तो क्या ऐसी चीजों को देखकर आप कभी हैरान और विस्मित हुए हो? दूसरी तरफ फिर कहते हैं कि क्या आपने जंगल में बहती किसी जलधारा की कलकल धमनी को सुना है, उस आवाज को सुना है, सचमुच सुना है या नहीं? अगर सुना है तो तुम इसको महसूस कर सकते हो। तीसरा उदाहरण वो कहते हैं कि क्या गर्मियों की किसी शांत शाम को कोयल को कूकते हुए सुना है, उसकी आवाज सुनी है, ऐसी विरली आवाज कहीं कभी कभी ही सुनाई देती है। इन सब चीजों के प्रति सजग होने के लिए मन का ठहरना, शांत होना, खामोश होना जरूरी है। आपको अपने, इसके साथ साथ आपको अपने अतीत और भविष्य की सभी समस्याओं के पुलिंदों को और ज्ञान के सभी पुलिंदों को भी अपने सिर से उतार कर नीचे रखना जरूरी है। न केवल मन को शांत रखना है, मन का ठहराव करना है, खामोश होना है, बल्कि जो आगे पीछे का आपने बैगेज लाद रखा है अपने ऊपर, चाहे वो ज्ञान का है, चाहे अतीत का है, भविष्य का है, उसको भी उतारना जरूरी है। वरना आप देखकर भी देख नहीं पाएंगे और सुनकर भी सुन नहीं पाएंगे। यानी आपका पूरी तरह उपस्थित होना, विद्यमान होना आवश्यक है। वो बताते हैं कि बाहरी आकार की खूबसूरती के परे भी यहाँ बहुत कुछ है जिसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता। यानी यह एक मूल तत्व है जो कुछ अनकहा है, अवर्णनीय है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। केवल गूंगे का गुड़ है, उसको महसूस ही किया जा सकता है। प्रशंसा से बहुत दूर है, प्रशंसातीत है, प्रशंसा शब्द उसके लिए बहुत छोटा है, बहुत गहरा है, अंदरूनी है, भीतरी है, पावन है, पवित्र है। यानी इन सब को मिला दिया जाए, इसका सारांश है कि ये ही मूल तत्व है जिसको प्राप्त करना, जिस स्थिति को में जाना हमारा उद्देश्य है। तो यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब कहीं कभी भी जहां कहीं भी ये खूबसूरती है, सौंदर्य है, इसके माध्यम से ये भीतरी मूल तत्व चमकता है, जगमगा रहा होता है, यह आपके समक्ष प्रकट तभी होता है जब आप वर्तमान में उपस्थित होते हो, विद्यमान होते हो। तो कहते हैं क्या ऐसा नहीं लगता
कि वह अनाम तत्व और आपकी विद्यमानता एक ही चीज है। जब ये सारी चीजें होती हैं तो मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या ये अनाम तत्व जिसके हम अभी चर्चा कर रहे हैं और आपकी विद्यमानता, आपकी उपस्थिति, आपका प्रेजेंट होना, क्या ये दोनों एक ही चीज है? यह क्या यह आपकी उपस्थिति के बगैर भी कभी प्रकट हो सकता है? तो लेखक कहते हैं इसमें जानने की सुनने की कोई जरूरत नहीं है, आइए गहरे उतरिए और स्वयं खोज कीजिए। तो वो कहते हैं कि इसको खुद महसूस करना है, खुद खोजना है। कैसे करेंगे? कि जब आपने विद्यमानता के उन क्षणों को महसूस किया, जब आप प्रेजेंट में थे, उन पलों को जब आप महसूस करते हो, तो शायद आपने यह नहीं जाना कि उस समय आप थोड़ी देर के लिए नो माइंड स्टेट में थे, यानी वहां आपका मन नहीं था, मन नदारद था, केवल आप ही आप थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि विचारों की बाढ़ और नो माइंड के स्टेट के बीच में अंतर कम हो गया था। तुम्हारी सतोरी वाली स्थिति चाहे कुछ क्षणों की ही रही हो, कुछ पलों की ही रही हो मन के प्रवेश करने से पहले, लेकिन यह स्थिति थी तभी आपको इसकी खूबसूरती का अनुभव हुआ। यानी जब मन नहीं होता तभी इस सतोरी की, इस जगमगाहट की, इस मूल तत्व की खूबसूरती का अनुभव आप कर सकते। तो वो कहते हैं जो मन है वो न तो सौंदर्य को अनुभव कर सकता है, ना ही उसे क्रिएट कर सकता है, रचना कर सकता है। जितनी भी आर्टिस्टिक और क्रिएटिव चीजें रची गई हैं वो उस स्थिति में रची गई हैं जहां पर मन नहीं होता है। तो जब कुछ क्षणों के लिए आप वहां पूर्ण रूप से मौजूद थे, क्या वह सौंदर्य या पाकिजगी वहां थी? प्रश्न उठता है कि जब कुछ क्षणों के लिए आप पूर्ण रूप से मौजूद थे तो क्या आपने पाकिजगी या सौंदर्य का अनुभव किया? केवल उन कुछ क्षणों के लिए जब आप पूरी तरह उपस्थित थे तब वह खूबसूरती और पवित्रता भी आपके अंदर उपस्थित हो गई थी। इस गैप और या अंतराल के तंग होने के कारण और आप में जागरूकता या चौकसी की कमी होने के कारण आप संभवतः उस प्रत्यक्ष बोध के सौंदर्य के प्रति विचार रहित जागरूकता के बीच में और विचार द्वारा उसे नाम देने और उसकी व्याख्या करने के बीच के मौलिक अंतर को नहीं देख पाए। यानी बेहोशी और जागरूकता के बीच में जो अंतर था उसको आप नहीं देख पाए। क्यों नहीं देख पाए? कि ये समय का जो अंतराल था, जो ये गैप था, इतना कम था कि बस ये एक प्रक्रिया ही आपको लगी होगी, एक प्रोसेस ही लगा होगा। सच्चाई तो यह है कि जो ही विचार का प्रवेश हुआ तो आपके पास उस सब की केवल स्मृति या याद ही शेष है जो आप अपने में मौजूद थे, और जो वो पाकीजगी और सौंदर्य का आपने अनुभव किया तो जब जो ही विचार का प्रवेश हुआ वो एक याद बनकर आपके पास रह गया। वह याद को किस चीज की याद थी? वो उस बोध की याद थी, उस समझ की याद थी, उस संवेदना की याद थी, उस अनुभव की थी, तथा विचार के बीच का जो अंतराल था यह जितना अधिक होगा मनुष्य के रूप में उतने ही गहराई आपको उपलब्ध होगी। यानी आप उतने ही अधिक चैतन्य होंगे, कॉन्शियस होंगे। उन्होंने कहा कि जो ये बोध है, ये समझ है, इसके बीच में और विचार के बीच में जितना अंतराल अधिक होगा मनुष्य के रूप में, आप उतनी ही गहराई उसको उपलब्ध होगी मनुष्य को, और आप उतने ही अधिक चैतन्य होंगे। आप देखते हैं कि कई लोग अपने मन के जंगलों में इस कदर फंसे रहते हैं कि कुदरत की खूबसूरती का उनके लिए जैसे कोई मूल्य ही नहीं है, वजूद ही नहीं है। वे कह सकते हैं कि क्या सुंदर फूल है, लेकिन यह एक मैकेनिकल उनकी एक्सप्रेशन होगा, यांत्रिक मानसिक रूप का भाव होगा या अधिक व्यक्ति होगी, क्योंकि वह न तो शांति है ना ही वहां उपस्थित है। वास्तव में वो फूल को देखते ही नहीं, उसके सार और उसकी पाकिजगी को महसूस नहीं करते हैं, और उसी तरह जिस तरह वे अपने को नहीं देखते हैं, ना ही उन्हें मूल तत्व का पता है, ना ही अपनी पवित्रता का और पावनता का। यानी जब हम सरसरी तौर पर फूल के ऊपर ध्यान देते हैं तो हम वहां होते ही नहीं, हम कहीं और होते हैं, सोच कुछ और रहे होते हैं, चल कहीं और रहे होते हैं। फूल पर दृष्टि पड़ी और हमने कहा कि ये फूल
है कितना सुंदर, लेकिन उसकी जो पाकीजगी है, उसकी जो पवित्रता है, उसको हम महसूस नहीं कर पाते क्योंकि हम वहां पर होते हैं। यानी हम मन के प्रभुत्व वाली संस्कृति में रह रहे हैं। चूंकि हम मन के प्रभुत्व वाली संस्कृति में रह रहे हैं, इसलिए कुछ अपवादों को छोड़कर, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर, अति आधुनिक कला या वास्तु या कला संगीत और साहित्य सौंदर्य विहीन और निसार हो गया है। इसमें कोई सार नहीं है, ना इसमें कोई खूबसूरती है। कुछ अपवादों को हम छोड़ सकते हैं, लेकिन जो ये मन के प्रभुत्व वाली, जहां पर मन की ज्यादा प्रेजेंस रहती है, वहां पर हमें वो रचना, वो क्रिएटिविटी नहीं मिलती। वही ये बता रहे हैं एकार्ट टोले कि इसका कारण क्या है कि वे लोग जो इसकी रचना कर रहे हैं, वे एक पल के लिए भी खुद को अपने मन से अलग नहीं कर पाते हैं। इसलिए वे लोग कभी भी अपने भीतर उस स्थान के स्पर्श व संपर्क में नहीं आते जहां से सच्चा सृजन होता है, सौंदर्य उदय होता है, पैदा होता है। उस स्थान तक ये पहुंच ही नहीं पाते, ये अपने मन में ही उलझे रहते हैं। लेकिन अगर मन को इसके ऊपर ही छोड़ दिया जाए तो वह कुरूपता, पद्यपन की ही रचना करता है। आप आजकल की मॉडर्न आर्ट गैलरीज में देखते हैं कि वहां जरा शहरों का नजारा देखिए आप, तो वो क्या आपको परोसते हैं, उससे हमें बिल्कुल अंदाजा हो जाएगा कि इन्होंने किस स्तर पर रहकर इसकी रचना की है। किसी भी सभ्यता ने कभी भी, लेखक कहते हैं, इतनी कुरूपता, इतना भोंडापन, इतनी बदसूरती पैदा नहीं की। आज औद्योगिक बंजर भूमि को देखिए, कंक्रीट के शहर हैं, प्राकृतिक वातावरण और खूबसूरती की कमी है, पेड़ काट काट कर इन्होंने शहर को बिल्कुल बंजर बना दिया है। तो ये जो स्थिति है, इसमें हमें तभी हम दूर हो सकते हैं जब हम अपने में रहना सीख जाते हैं, अपना होने को महसूस करते हैं। नेक्स्ट हमने देखना है कि विशुद्ध चेतना को पहचानना। प्रश्न है, इज प्रेजेंस द सेम एज बीइंग, क्या विद्यमानता और आपका होना एक ही बात है? जब आप होने के प्रति जागरूक हो जाते हो, तो वास्तव में क्या होता है कि होना अपने प्रति भी जागरूक हो जाता है। यानी जो होना है हमारा, उसके प्रति जब हम जागरूक होते हैं, तो वह क्या है, वह होना अपने प्रति जागरूकता, वही उपस्थिति है। जैसे हमें कहा, हमें ध्यान में समझाया जाता है कि आप अपने साथ जुड़िए, देखिए आप चेतना के सागर में आप कहाँ हैं और अपने आप को जुड़ा हुआ देखिए। तो जब हम अपने होने के प्रति भी जागरूक हो जाते हैं, तो कहते हैं यही वह, उसका नाम उपस्थिति है, इसको हम उपस्थिति कहते हैं। क्योंकि होना, जागरूकता और जीवन समानार्थक शब्द है, एक जैसे शब्द हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि उपस्थिति का अर्थ है चैतन्यता का अपने प्रति जागरूक होना और या जीवन को आत्म चेतना प्राप्त हो जाना? ये तीनों चीज एक जैसी हैं। लेखक इसको आगे समझाते हैं कि इन शब्दों में उलझकर मत रह जाइए कि क्या ये जागरूकता है या चैतन्यता है या होना है या जीवन को जो आत्म चेतना प्राप्त हो जाना है, क्या ये सही या सारे शब्द एक हैं? वो कहते हैं इसे समझने की भी कोशिश मत कीजिए और इसमें उलझिए भी मत। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि उपस्थित रह सकने से पहले आपको समझने की आवश्यकता है। लेखक कहते हैं कि इसमें यह संकेत है कि बीइंग, हमारा होना, वह परम पारलौकिक वास्तविकता अभी पूर्ण नहीं हुई है। जब हमारे मन में ये प्रश्न उठते हैं कि क्या ये चीजें एक जैसी हैं, तो इसका अर्थ ये है कि हमने अभी बीइंग को, परम तत्व को अभी जानने के विकास की स्थिति में हैं, हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं। तो कहते हैं कि क्या ईश्वर को भी अपने निज विकास के लिए समय की आवश्यकता पड़ती है? वह भी विकसित होने की प्रक्रिया में है क्या? हाँ, आवश्यकता पड़ती है। कब? जब इसे केवल प्रकट ब्रह्मांड के, मैनिफेस्टेड ब्रह्मांड के, कॉस्मिक के सीमित दृष्टिकोण से देखा जाए, लिमिटेड आउटलुक जब हमारा होता है मैनिफेस्टेड जगत के प्रति, तो ये इसकी आवश्यकता पड़ती है। बाइबल में प्रभु कहते हैं कि मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं, मैं ही समस्त
जीवन हूं, यानी जिस काल निरपेक्ष साम्राज्य में ईश्वर निवास करता है, जो कि आपका भी घर है, हमारा भी घर है, जहां हम रहते हैं, उसमें आदि और अंत एक ही है, और वह उस सभी चीजों का निचोड़ है जो अभी तक हुए हैं और आगे होंगे। सब कुछ आदि और अंत एक जगह है, उसमें हम भी शामिल हैं, ईश्वर भी शामिल है, जीसस भी शामिल है, सभी इसमें हम शामिल है। यानी एकत्व और पूर्णत्व, एक होना और पूर्ण होना की जो अव्यक्त अवस्था है वह शाश्वत रूप में सदा उपस्थित है, इटर्नल तौर पर यह हमेशा प्रेजेंट है, मनुष्य के मन की समझ और कल्पना से पूरी तरह परे, मनुष्य के मन से और उसकी कल्पना से इसको नहीं समझा जाता। लेकिन अलग अलग रूपों में प्रकट होने वाले इस संसार में समय रहित संपूर्णता तो एक असंभव और अकल्पनीय विचार लगता है। यहां तो जो चैतन्यता है, जो अनंत है, जो शाश्वत स्रोत से पैदा हुआ प्रकाश ही है, उसे भी विकास प्रक्रिया के अंतर्गत मान लिया जाता है। लेकिन ऐसा हमारी जो समझ है सीमित, हमारी समझ की सीमितता के कारण ऐसा होता है, परम अर्थ में हम ऐसा नहीं लेते। लेकिन फिर भी संसार में चेतना के विकास के बारे में थोड़ा विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। लेखक ये बात कह रहे हैं, उन्होंने बताया कि जिस भी किसी चीज का अस्तित्व है, जो भी जीव है या दूसरी चीजें इस संसार में मौजूद हैं, जिसका भी अस्तित्व उसमें बीइंग है, बीइंग का अर्थ है ईश तत्व, गॉड एसेंस, चाहे उसमें कितनी मात्रा में उस चेतना का अंश हो, एक पत्थर में भी थोड़े से रूप में विकसित चेतना विद्यमान रहती है, वरना वह होता ही नहीं। अगर उसमें चेतना नहीं होती तो उसके अणु और परमाणु छिन्न भिन्न हो जाते। सब कुछ सजीव है यहाँ पर, सूर्य, पृथ्वी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, सब में भिन्न भिन्न मात्रा में चेतना व्यक्त हो रही है। वह चेतना ही रूप और आकार में प्रकट हो रही है। जब हम भिन्न भिन्न रूपों में देखते हैं तो वो उसमें चेतनता का तत्व हमें दिखाई देता है। चेतना जब रूप और आकार में या विचार के रूप में या भौतिक रूप में प्रकट होती है, तब संसार की सृष्टि होती है। जो परम तत्व का प्रकट रूप है, जो जगत है, जो संसार है, जो सृष्टि है, वो किस रूप में है? रूप और आकार में है, विचार में है, भौतिक रूप में जब ये प्रकट होता है तो ये संसार हमारे सामने होता है। केवल इसी पृथ्वी पर ही आप जीवन के लाखों रूपों को देख सकते हो, जल में, थल में, नभ में, और जीवन के हर रूप की लाखों प्रतिक्रियां या नकल बनती रहती है। कितने ही जीव हैं जो आप हमेशा देख पाएंगे, देखते हैं। वो कहते हैं इसका क्या उद्देश्य है, क्यों ऐसा है, क्या रूपों और आकारों के साथ कोई खेल खेल रहा है? यही वह प्रश्न है जो पूर्व के जिज्ञासु, ज्ञान के पिपासु भी पूछते हैं। उन्होंने इस संसार को लीला की संज्ञा दी, यानी एक प्रकार का दिव्य खेल, डिवाइन प्ले, डिवाइन गेम, जो कि दिव्य, जो ईश्वर खेल रहा है। जाहिर है प्रत्येक जीव रूप इस खेल में कोई बहुत महत्व नहीं रखता। हम ये कहें कि किसी जीव की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ऐसी कोई बात नहीं है। समुद्र में आप देखते हैं कि अधिकतर जीव रूप जन्म के बाद लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाते। मानव रूप भी बहुत जल्दी ही मिट्टी में मिल जाता है, और जब जाता है तो ऐसे चला जाता है जैसे कभी था ही नहीं, ऐसा उसके बाद आभास होता है। क्या ये दुखद नहीं है? क्या ये क्रूअल नहीं है? क्या ये क्रूर नहीं है? ऐसा प्रश्न हमारे मन में उठता है। तो लेखक कहते हैं ऐसा आपको तब लगेगा जब आप हर रूप को एक अलग पहचान दे देंगे। अगर आप ये भूल जाएंगे कि जीव की चेतना तो ईश्वर सत्य ही है, गॉड का एसेंस ही है, परमात्म तत्व ही है, जो कि रूप में या आकार में जाहिर हो रहा है, व्यक्त हो रहा है, इस बात को याद रखेंगे तब तो ये क्रूरता नहीं लगेगी। लेकिन अगर इसको आप अलग मानोगे तो निश्चय ही ये दुखद दिखाई देगा। लेकिन लेखक कहते हैं कि ऐसा आप तब तक नहीं जान सकते जब तक कि आपको ये बोध नहीं हो जाता कि आपका अपना ईश्वर सत जो है वो भी विशुद्ध चेतना ही है। और जब ये विशुद्ध चेतना का अनुभव आप कर लोगे, तभी आप
इस सीमा तक जाकर इस संसार की सत्यता को जान पाओगे। आप देखते हो कि आपके घर में एक एक्वेरियम में अगर किसी मछली का जन्म होता है और आप उसको कोई नाम दे देते हैं, मान लो जॉन दे देते हैं, उसका जन्म का प्रमाण पत्र भी बना देते हैं, उसे अपनी वंशावली भी बता दें, लेकिन 2 मिनट बाद ही अगर उसे कोई दूसरी मछली खा जाए तो ये दुखद लगता है। इसका कारण है कि हमने इसे एक अलग आत्मा होने की धारणा बना ली थी कि ये मछली अलग है, दूसरी मछली अलग है, तीसरी मछली अलग है, जबकि वह तो परम चेतना का ही एक हिस्सा थी और हमने गतिशील प्रक्रिया के अंतर्गत एक हिस्से, एक मॉलिकुलर डांस के रूप में इसको पकड़कर इसका एक अलग अस्तित्व बना डाला था। तो याद रखिए, चेतना नाना रूप धारण करती है, अलग अलग रूप धारण करती है। वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक कि वे रूप इतने उलझ ना जाएं कि वे पूरी तरह उनमें ही मगन होने लग जाएं, उन्हीं में रमने लग जाएं। आज के मनुष्य में चेतना ने अपने आप को आकार और रूपों के साथ पूरी तरह आइडेंटिफाई कर लिया है, अपनी पहचान। आज मनुष्य ने जो भी उसके रूप और आकार हैं उसकी पहचान अपने साथ बना ली है, यानी यह आपको एक फॉर्म आकार के रूप में जानती है। हमारी चेतना हमें एक आकार के रूप में जानती है, ये इस नाम का व्यक्ति है, इस नाम का व्यक्ति है, ये फलाना पक्षी है, ये पशु है, तो इस तरह से जानती है। तो ये हमेशा अपने शरीर, इसलिए हमेशा अपने शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप में विनाश हो जाने के भय से हमेशा ग्रसित रहती है, डरती रहती है कि मेरा भय ना हो जाए। वो ये नहीं जानती कि तुम्हारा आदि और अंत नहीं है, तुम्हारा विनाश कभी नहीं हो सकता, तुम सदा सदैव के लिए बनी हो। तो ये जो इगोइस्टिक मन है, अहमग्रस्त मन है, इसी से हमारे सारे रोग उत्पन्न होते हैं। जब हम इसकी पहचान या आइडेंटिटी बना लेते हैं तो ये सारी बातें उत्पन्न होती है। अब यह इस तरह से देखती है कि इसके विकास के रास्ते पर इसके साथ बहुत कुछ गड़बड़ी हो गई है, क्योंकि इसने मन के साथ पहचान बना रखी है। लेकिन यह भी तो लीला का ही एक भाग है, एक डिवाइन गेम है, एक दिव्य खेल है। अंततः ये साफ साफ दिखने वाली वो रुग्ण ताकते हैं, वो बीमार ताकते हैं जो कि दुखों के दबाव से पैदा हुई हैं, और चेतना को आकार से अपनी पहचान को खत्म करने के लिए मजबूर करती हैं कि वो अपनी पहचान खत्म करे और इसको इसके आकार के स्वप्न से, सपने से जगाती है कि ये आकार वाली चीज नहीं है, ये फॉर्मलेस है, ये है दिव्य है, ये चैतन्य है। तब उसमें आत्म चेतना का पुनः संचार होता है, दोबारा उसमें चेतना उत्पन्न, चेतना का भाव पैदा जो हुआ था वो जारी रहता है, लेकिन उस स्तर से काफी गहरा होता है जहां वह तब थी जब इसने खुद को खो दिया। जब चेतना ने अपना मन के साथ तादात्म्य बना लिया था, उस स्तर पर जब थी उससे अगले सत्र पर आकर ही यह गहराई में जाकर अपने आप को सोचती है, क्योंकि उसको ठोकर लग चुकी है। इस प्रक्रिया को जीसस ने अपने एक पिता के उस खोए हुए बेटे के समान एक दृष्टांत में व्यक्त किया है, जो अपने पिता का घर छोड़ देता है, सारी दौलत उड़ा देता है, बेसहारा हो जाता और अंततः परेशान होकर घर लौटने पर मजबूर हो जाता है। जब घर लौटता है तो उसका पिता उसको पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगता है। बेटे की अवस्था वैसी ही थी लेकिन पहले जैसी नहीं थी, इसमें गहराई का एक और आयाम जुड़ गया था, जो पहले हमने उदाहरण में कहा कि चेतना जब मन से तादात्म्य जोड़ लेती है और जब उसमें दुखों की स्थिति पैदा होती है तो वो दोबारा उसमें चेतना का जब संचार होता है तो वो उसी स्थिति में आती है जैसे कि बेटा दुख के समय के बाद पिता वापस अपने पिता के पास लौटता है, तो वो वैसा नहीं होता जब जाते समय था, बल्कि उसमें कुछ गहराई आ गई होती है और गहराई का आयाम जुड़ गया होता है। तो यह दृष्टांत जो है ये पूर्ण बेहोशी से, यानी प्रकटतया देखने में अपूर्णता में से होते हुए की गई यात्रा है, और बुराई से चैतन्यता पूर्ण यानी पूर्ण जागरूकता की ओर जाने वाली यात्रा का वर्णन करता है। बेहोशी से जब हम जागरूकता की तरफ आते हैं उस सारी यात्रा का ये वर्णन किया गया। तो यहां पर एक प्रश्न फिर उठता है व्यक्ति के मन में कि क्या तुम अब वर्तमान में रहकर अपने मन के
दृष्टा होने के गहरे और व्यापक महत्व को देख सकते हो कि अगर तुम अपने मन के दृष्टा बन जाते हो तो उसके कितने गहरे और व्यापक रिजल्ट होते हैं। जब भी तुम मन को देखते हो तो मन के आकारों से अपनी चेतनता को निकाल लेते हो। मन को देखते समय कॉन्शियसनेस को आप निकाल लेते हो, फिर तुम साक्षी बन जाते हो, देखने वाले हो जाते हो। परिणाम स्वरूप देखने वाला आकार के पार शुद्ध चेतना मजबूत होता जाता है और मानसिक रचनाएं कमजोर पड़ती जाती है। जब हम साक्षी होकर चीजों को देखना शुरू करते हैं उसमें मन का समावेश नहीं होता तो जो मानसिक रचनाएं वो कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं, शुद्ध चेतना मजबूत होनी शुरू हो जाती है। यानी जब हम मन का अवलोकन की बात करते हैं तब हम ऐसी घटना का व्यक्तिकरण कर रहे होते हैं जो सृष्टि से जुड़ी है, जो कॉस्मिक से जुड़ी है और सचमुच बहुत ही महत्वपूर्ण। आपके माध्यम से चेतना रूप और आकार के साथ वाली तादात्म्य या जुड़ाव की अपनी सब स्वप्न अवस्था से जाकर उस रूप और आकार से बाहर आ रही होती है। यानी जब चेतना रूप और आकार से बाहर आ रही होती है तो अपने सपने से जाग रही होती है। यह पूर्वाभास, जब उसको ये आभास हो जाता है कि ये जरूरी है और ऐसा करने से मैं अपने नजदीक आऊंगा, तो एक ऐसी घटना का भाग है जो दूर भविष्य में संभावित है, यानी कैलेंडर वाले समय के लिहाज से उस घटना को हम कहते हैं प्रलय या संसार का अंत। प्रलय या संसार का अंत। तो यह है हमारा जो हमने प्रश्न किया था शुरू में, हमें प्रश्न दिया गया था कि होना, चेतनता, जागरूकता और जीवन, क्या ये तीनों एक हैं? ये इसका जवाब हमें मिला है कि ये तीनों एक ही हैं, शुद्धता और गहनता में अंतर होता जाता है। कैसे? जब चेतना अपने आप को शारीरिक और मानसिक रचनाओं की आकारों की पहचान से छुड़ा लेती है, मुक्त कर लेती है, तब ये शुद्ध और अधिक जागरूक हो जाती है, यानी वर्तमान में हो जाती है। दूसरे शब्दों में यह विशुद्ध चेतना बन जाती है जिसे हम एनलाइटेंड चेतना या उपस्थिति या विद्यमानता कहते हैं।